हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केबीज बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन कैसे होता है। तो हमने पिछले दो वीडियो में देखा कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इलोंगेशन। तो इलोंगेशन कैसे होता है हमने पिछले वीडियो में जाना है, और उसके पिछले वीडियो में देखा था कि इनिशिएशन कैसे होता है। तो अभी इस वीडियो में देखेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ये सेम है जैसे कि हमने देखा प्रोकैरियोट में टर्मिनेशन जो होता है, उसी प्रकार यूकैरियोट में टर्मिनेशन होता है, सेम टाइप का है, मगर उसमें जो रिलीजिंग फैक्टर जो है वो डिफरेंट यूज होते हैं और वो रिसेम्बल है सेम एज अ प्रोकैरियोटिक। जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स में रिलीजिंग फैक्टर, प्रोकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट यूज किया जाता है और सेकेंड यूज किया जाता है। प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर सेकंड, मगर इन यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर थ्री, ऐसे दो रिलीजिंग फैक्टर यूज किए जाते हैं। तो उसमें देखो पहला वाला देखा यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर थर्ड, ये दो मेनली यूज होते हैं। तो इलोंगेशन में जो हमने देखा, इलोंगेशन में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन देखा था, आपको उस वीडियो में जाके इन डिटेल में जान सकते हो, मगर हम इस वीडियो में सिर्फ रफली बता देते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई साइड है, यहाँ पे पी साइड है और ए साइड है। तो यहाँ पे जो ए साइड में बहुत ज्यादा और पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड्स और पेप्टाइड रहती है। ओके, तो जब प्रोटीन में सिंथेसिस होता है यूकैरियोट्स में, तो होता क्या है, देखो मैकेनिज्म कैसा है। ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। ओके, तो इलोंगेशन में जैसे कि हमने देखा, यही हम यहाँ पे दोहराते हैं। ओके, तो इसमें ये ई साइड, ये पी साइड और ए साइड, ये सेम होती है, मगर मेरे डायग्राम में गलती से बड़ा आ रहा है ए साइड। ओके, यहाँ पे ई साइड, पी साइड, ए साइड। तो यहाँ पे अभी ये पेप्टाइड, ओके, और यहाँ पे आता है क्या है, यहाँ पे स्टॉप कोडन जो है, मान लो यहाँ पे यूएजी आ गया। ओके, तो टर्मिनेशन के लिए स्टॉप कोडन जरूरी होता है, हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था। ओके, तो यहाँ पे जो रिलीजिंग यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर वन जो है, यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर वन क्या करता है कि वो जो स्टॉप कोडन जो है, उस स्टॉप कोडन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। वो क्या करता है, स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ जीटी। ओके, और जो रिलीजिंग फैक्टर जो थ्री है, रिलीजिंग फैक्टर थ्री क्या करता है, रिलीजिंग फैक्टर थ्री वो जीटीपेज के जैसे एक्ट करता है, और जो टीआरएनए आता है, उसे टीआरएनए को वो जीटीपी बाइंड करता है बराबर, और उस जीटीपी को वो क्या करता है, जीटीपेज से वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पे जो प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन की, वो यहाँ पे स्टॉप होती है, और स्टॉप होने के बाद वो जीटीपी यहाँ पे यूज होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए, और यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, क्लीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग फैक्टर थ्री। ये क्या, जीटीपेज का काम करता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे हाइड्रोलाइज करता है और बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड।
तो इस प्रकार यूकेरियोट का ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।